पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। कबल इसके कि मैं शुरू करूं, आपसे एक गुजारिश, आप हमारे चैनल आई प्लस टीवी पांच मिनट का मदरसा को जरूर सब्सक्राइब करें और ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين। उसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेकोकारों में कर दिया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का सिला बयान किया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाइश में मुबतला किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की। अब तौबा के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें नवाजा, उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करने के बाद उन्हें दोबारा नवाजा और उन्हें नेकोकारों में कर दिया। हालांकि उनसे गलती हुई, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माफ़ किया और उनको उनकी पहली हालत पर दोबारा लौटा दिया, सेहत व तंदरुस्ती अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा उन्हें रिसालत से नवाजा। अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी कौम नेनवा, जिसकी तरफ वो नबी बना करके भेजे गए थे, और वहाँ से जब वो निकल गए तो उन्हें उनकी अपनी कौम की तरफ वापस से जो है रसूल बना करके भेजा गया, जिसकी तादाद 100,000 या उससे भी ज़्यादा थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया कुरान मजीद में आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। बताना मकसद यहाँ पर यह है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, ना ये कि बस सिर्फ तौबा कबूल की बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हालत को दोबारा बेहतर बना दिया। ये चीज़ मुझे और आपको क्या बताती है कि अगर मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हालात को भी दुरुस्त कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालात को भी अच्छा कर देंगे, बेहतर कर देंगे। किस बुनियाद पर? तौबा की बुनियाद पर। आज मैं और आप सोचें कि हम दिनों रात में कितनी गलतियां नहीं करते, कितने गुनाह मुझसे और आपसे नहीं होते, कितनी मर्तबा मैंने और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ये सोचने का मकाम है, गौर और फिक्र करने का मकाम है। आप खुद सोचें, लास्ट आपने कब अल्लाह ताला से दुआ की थी, कब मैंने और आपने अल्लाह के सामने हाथ उठा करके ये कहा था कि ऐ हमारे रब, मैंने फला गुनाह किया है, तो उस गुनाह को माफ़ फरमा। कब आपने किया, सोचें आप, कब मैंने और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की? बहुत मुश्किल है कि आपको याद आए। या जिन लोगों ने किया है उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें कम से कम तौबा की तौफीक हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी भी तौफीक नहीं होती है। लिहाजा अगर मुझे और आपको इस बात की तौफीक नहीं हुई है अभी तक, तो हमें चाहिए कि हम अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, गिड़गिड़ाएँ, रोएँ, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और उसका बेहतर बदला अल्लाह ताला मुझे और आपको अता करेगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में चूँकि हम लिबास के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हल्के जर्द रंग का यानी हल्का येलो कलर पहनना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये मुस्तहब है। हज़रत क़िला बिन्त मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाफ़रान में रंगी हुई चादरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, जिनका आप इस्तेमाल करते थे और आपके उसके इस्तेमाल करने की वजह से उसका रंग हल्का पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में खजूर की छड़ी भी थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चादरें थी वो हल्की जर्द रंग की थी। लिहाजा ये कलर भी इंसान पहन सकता है। इसी तरह हल्का सुर्ख, हल्का लाल रंग, वो भी इंसान पहन सकता है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने किसी भी लंबे बालों वाले को सुर्ख जोड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो लिबास था सुर्ख रंग का, हल्के सुर्ख रंग का जो लिबास था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे, इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे कि उतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी एक एक सिफत को सहाबाए कराम ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द रंग का, हल्के जर्द रंग का लिबास पहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के सुर्ख रंग का लिबास पहना। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इन बातों को याद रखें। खुसूसन मैंने जो सफ़ेद कपड़े का आपके सामने जिक्र किया, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे, फरिश्तों का जो लिबास है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसको पसंद करते थे, हमें चाहिए कि हम उसको पसंद करें, हम उन लिबासों को इख्तियार करें, हम उन कपड़ों को इख्तियार करें जो शुराफा का लिबास होता है, जो शरीफ लोग, अच्छे लोग पहनते हैं। हमेशा याद रखिए, हर वो कपड़ा, हर वो लिबास, गरचे वो जायज़ ही क्यों ना हो,
اگر وہ فساق اور فجار لوگ پہنتے ہیں، ایسے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، اگر ایسے لوگ ان کپڑوں کو پہنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کپڑوں کو نہ پہنیں، ایسے کپڑوں کو ہم چھوڑ دیں، ایسے رنگوں کو ہم چھوڑ دیں، اور اچھے لباس، اچھے کپڑے، اچھے رنگ کے کپڑے اختیار کریں، یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔